हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सबके साथ टाटा मिस्त्री डिस्प्यूट का एक और एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं एक नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बारे में जो कि टाटा सन्स लिमिटेड में हुआ है। एक ऐसा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, लेकिन इंटरनल मैटर होने के साथ साथ इस मैटर में काफी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो सारस मिस्त्री और उनकी कंपनीज का है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट किसमें हुआ है और हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये टॉपिक बताने के पीछे जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये था कि जब कुछ दिनों पहले मैंने ये न्यूज देखी और जब मुझे पता लगा कि टाटा सन्स लिमिटेड विच इज ए पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसका कि कन्वर्जन होने जा रहा है किसमें, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो जब ये मैंने न्यूज सुनी तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया और शायद वो हम सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टाटा सन्स लिमिटेड क्या कोई लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी का इस तरीके से कन्वर्जन होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सो द आंसर इज नो। टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है और उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं। फॉर एग्जाम्पल TCS, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, ये जो कंपनीज हैं ये लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन इन लिस्टेड कंपनीज की जो होल्डिंग कंपनी अब तक थी या अब तक है, मैं आपसे अगर कहूं तो हाँ अब तक है, वो कंपनी थी टाटा सन्स लिमिटेड जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी और उस अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 21st ऑफ सितंबर को टाटा सन्स की जो जनरल मीटिंग हुई थी उस जनरल मीटिंग में इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया जा चुका है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और वो भी इतनी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसकी कि इतनी सारी लिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज है, क्या रीजन है इसके पीछे। अभी मैं रीजंस की बात करूंगा, लेकिन रीजन से आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर किसी कंपनी का कन्वर्जन होता है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में, तो मुझे बताइएगा जरा कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, कौन से ई फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले आपको यहां बता दूं कि यहां सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट का। इसके साथ साथ इस पूरे केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टाटा सन्स लिमिटेड जो कंपनी है, दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज पर द कंपनीज एक्ट 1913। अभी हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन पहले क्या था, पहले था कंपनीज एक्ट 1913, यानी कि 100 साल पहले, 100 साल से भी इनफैक्ट ज्यादा हो गया है जो कंपनीज एक्ट था, उस कंपनीज एक्ट में टाटा सन्स लिमिटेड जो कंपनी है दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। और तब ये जो कंपनी थी ना, तब ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, स्टार्टिंग में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन 1975 के आसपास इस कंपनी को डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया गया था, डीम्ड पब्लिक कंपनी, और उसके बाद एक बार फिर इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी में। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कहां लिखी हुई है, वो प्रॉब्लम लिखी हुई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है कि जब किसी पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जो तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होंगी। वो तीन रेस्ट्रिक्शंस क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन प्रोहिबिशन, ये मुझे कहना चाहिए, तीन रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तीन पॉइंट्स है, एक है रेस्ट्रिक्शन, दूसरा है लिमिटेशन और तीसरा है प्रोहिबिशन। शेयर्स आउटसाइडर्स को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते किसी प्राइवेट कंपनी में, एंड शेयर ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है जो पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होती है। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इस तरीके से आया
द रीजन इज क्योंकि सारस मिस्त्री जो कि टाटा सन्स कंपनी में उनकी और उनकी जो फर्म्स है उसकी समवेयर अराउंड 18% की शेयर होल्डिंग है, 18.4% की शेयर होल्डिंग है और उन्हें ऑब्जेक्शन है, उन्हें इस बात का ऑब्जेक्शन है कि अगर इस कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑल्दो टाटा सन्स का यह कहना है कि हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से ही यह रेस्ट्रिक्शन थी इसलिए इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और कई चीजें हो रही है टाटा सन्स लिमिटेड में, जैसे कि नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा और अब टाटा सन्स में जो डायरेक्टर्स होंगे वो होंगे 15, यस देयर विल बी 15 डायरेक्टर्स। इसी के साथ साथ वुमन डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट होगा, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे टाटा सन्स के बोर्ड में। टाटा सन्स 45,000 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेगा, 45,000 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेगा। एक सीएफओ का अपॉइंटमेंट होगा, सीएफओ जिसका कि सेक्शन आप जानते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेक्शन कौन सा, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए यह प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला टाटा सन्स लिमिटेड में तो उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जिस तरीके से वोटिंग राइट मिलता है वो वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा और ये राइट मिलने से रतन टाटा के पास और वोटिंग राइट्स आ जाएंगे अपनी कंपनी में, क्योंकि रतन टाटा भी टाटा सन्स लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं। अब कंपनी को अगर कन्वर्ट किया जाता है तो अप्रूवल किस किस का चाहिए होता है? अगर किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है लेकिन अभी एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं मिला है। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का अप्रूवल टाटा सन्स लिमिटेड को नहीं मिला है, तो वो आइडियली होप वो अप्रूवल मिल जाएगा। यहां एक ई फॉर्म लगता है और वो ई फॉर्म कौन सा होता है, MGT 14। MGT 14 के बारे में आपको पता होगा, जब रेजोल्यूशन पास होता है तो उससे रिलेटिंग MGT 14 फॉर्म है जो आप पढ़ते हैं जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, तब इस फॉर्म को आप हमेशा पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जितना भी कन्वर्जन का जो प्रोसेस हुआ है या जो इसका पर्पज है, इसमें सारस मिस्त्री ने कई एलिगेशन लगाए हैं। एक एलिगेशन मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया, उनका एक एलिगेशन तो ये है कि उससे उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। दूसरा उनका ये कहना है कि इससे कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये टाटा सन्स में कम हो जाएगा। इसके अलावा उनका एक और एलिगेशन है कि इस तरीके से टाटा सन्स में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आपने कंपनीज एक्ट में जरूर पढ़ा होगा। ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, दैट मींस लैक ऑफ फेयर डीलिंग। तो लैक ऑफ फेयर डीलिंग का एलिगेशन सारस मिस्त्री ने टाटा सन्स के ऊपर लगाया है। लेकिन इतने एलिगेशन लगाने के बाद सारस मिस्त्री ने इनफैक्ट इस मीटिंग में वोटिंग भी नहीं की थी, मतलब पर्सनली आकर उन्होंने वोट नहीं किया था, उन्होंने अगेंस्ट में वोट जरूर किया था बट वो उन्होंने प्रॉक्सी के थ्रू किया था, सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने प्रॉक्सी के थ्रू इस मीटिंग में वोट किया और बहुत सारे शेयर होल्डर्स को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो भी इसके अगेंस्ट, इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट ना करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, कहानी में एक और ट्विस्ट यह है कि इतना होने के बाद भी सारस मिस्त्री को नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्राइब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया है। सारस मिस्त्री ने जब टाटा सन्स लिमिटेड कंपनी अगेंस्ट में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का जो पहले वाला केस फाइल किया था, उस केस में वो एलिजिबल नहीं थे। जो कंपनीज एक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग नहीं थी। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्राइब्यूनल ने सारस मिस्त्री की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है
और एक्सेप्ट करने के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलान ट्रिब्यूनल ने उनके मैटर को एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में साइरस मिस्त्री का केस टाटा सन्स के अगेंस्ट, कौन सा केस, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस, अब मेंटेनेबल होगा और अब उस केस में प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके बाद ये बात कोर्ट डिसाइड करेगा कि साइरस मिस्त्री को जो कंपनी से निकाला गया था, जो उन्हें चेयरमैन की पोस्ट से हटाया गया था, क्या वो ऑपरेशन था या ऑपरेशन नहीं था, क्या टाटा सन्स ने कोई ऐसा एक्ट किया था जिसमें मिसमैनेजमेंट था, मिसमैनेजमेंट दैट बेसिकली मींस नेग्लिजेंस। तो इन सारी बातों को अब कौन डिसाइड करेगा, अब इन सारी बातों को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। तो ये मैंने आपको केस स्टडी इसलिए बताई, इस केस स्टडी को बताने का मेरा जो पर्पस था वो पर्पस ये था कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है, किस तरीके से हमारा जो नॉलेज, किस तरीके से वो नॉलेज जो हम बुक्स में गेन करते हैं वो प्रैक्टिकली चीजों को समझने में हमारे काम आ सकता है। अगर आप इस पूरे मैटर की स्टडी करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो कितना ज्यादा रिलेटेड है विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर केस स्टडीज एंड मोर वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।